हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें शाइन आ रहा है, कितना नेचुरल लुक आ रहा है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी ये इजी रेमेडी है, झटपट बन जाती है और आप बस इसको लगा सकते हो। और ये इतना अच्छा कलर देती है आपके बालों को, दिनों दिन काला बना देती है। जितने भी सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, रफनेस की प्रॉब्लम है, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, सभी प्रॉब्लम को दूर करता है और एकदम सिल्की स्मूथ आपके बाल बनाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसके लिए आपने लेना है 1 कप पानी। इस पानी को आप कोई भी पैन में इसको चढ़ा दीजिए सिम गैस में। और इसमें आपने डालना है टी लीफ यानी कि चाय पत्ती, 1 टीस्पून बहुत है एक बार के यूज़ के लिए। आप बस ये डालिए। इसके बाद आपने डालना है कॉफ़ी। कॉफ़ी आप आधा चम्मच डाल सकते हो, इतनी काफ़ी है क्योंकि ये एक बार के यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा कलर देती है, शाइन देती है आपके बालों को। तो ये डालिए और इसके बाद इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए कम से कम 5 से 7 मिनट तक के लिए, सिम एंड हाई फ्लेम में करते रहिएगा इस तरह से। और बस इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं लगाइएगा, एकदम हल्का गुनगुना होना तो वहीं लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने ये गरम नहीं लगाना है, थोड़ा सा ठंडा करके ही लगाइए, क्योंकि गरम लगाओगे ना तो बालों की झड़ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, अगर नहीं भी होती है तो। और अगर हो रही है तो काफ़ी तेज़ी से बाल झड़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा मेन। और बस इसको हल्का सा ठंडा करके इसमें अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू डाल लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हो वो डालिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, देन यूज़ कीजिए। इसको आपने वीकली 2 से 3 बार यूज़ करना है। आपके जितने भी सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, आपके बाल इससे काफ़ी तेज़ी से लंबे भी होंगे और झड़ने की प्रॉब्लम भी दूर होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, एक अलग ही शाइन आएगी बहुत ही प्यारी सी। साथ ही साथ आपके बालों का मॉइस्चर भी लॉक होगा और जड़ से मजबूत होंगे, आपके बाल घने होंगे। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आप शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहते हो ना तो आपने सिंपली इसी तरह से बनाना है, शैम्पू यूज़ नहीं कीजिए, रहने दीजिए अगर आप शैम्पू नहीं करना चाहते हो। तो इस तरह से ये पानी रेडी कीजिए, बिना शैम्पू मिलाए आप अपने बालों को डायरेक्ट डाल लीजिए और 2 से 3 घंटे इसी तरह से रहने दीजिए, देन वॉश कर लीजिए। मगर ध्यान रखिएगा कि पानी की क्वांटिटी उस समय कम रहनी चाहिए ताकि आपके बालों पर ये अच्छा सा कलर दे। तो इस तरह से यूज़ कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपके बालों पर। और हाँ जी, 2 से 3 घंटे के बाद लगाने के बाद आपने प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लेना है, बहुत ही अमेजिंग शाइन आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यूज़ कीजिए। आप ये पानी आप अपने मेहंदी में भी डालते ही होंगे, तो एक बार इस तरह से भी यूज़ करके देखिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। और हाँ, अपना सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।